नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर 15 लाख लोगों की जान जाती है सिर्फ इसलिए कि लोग सिगरेट पीते हैं। 85% भारत के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं उसका कारण होता है लोग सिगरेट पी के, शराब पी के या किसी तरह ड्रग्स को इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको आदत पड़ चुकी है सिगरेट पीने की, शराब पीने की या किसी तरह का ड्रग्स लेने की, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया। चाहे आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, आप घर में रहते हैं, होम मेकर हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आपके जानकारी में या आपको ये आदत लग चुकी है सिगरेट पीने की, शराब पीने की या किसी तरह ड्रग्स लेने की, तो ये जो एपिसोड है, ये वीडियो है, इसको आप पूरा देखें और देखने के बाद में एज ए जिम्मेदार नागरिक की तरह इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हम समाज को बचा सकें। अभी कुछ दिन पहले नो टोबैको डे था, इसीलिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूं और रिसर्च बेस में आपको पॉइंट शेयर करूंगा। अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत लग चुकी है, शराब पीने की, तो इस वीडियो को देखने के बाद में जो अप्लाई करेंगे, आई प्रॉमिस छुटकारा मिल जाएगा। कुछ आंकड़े बताता हूं जो नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको जानकारी हो जाए कि हम कितने ज्यादा नीचे गिरते चले जा रहे हैं। एक तरफ देश की तरक्की हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दोस्त हम नीचे गिर रहे हैं। वो नहीं दिख रहा हमारे को क्या गिर रहे हैं। 15 लाख लोग हिंदुस्तान में मर रहे हैं सिगरेट पीने से। 85% लोग जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वे लोग सिगरेट पी के, शराब पी के या किसी तरह ड्रग्स लेके गाड़ी को चलाते हैं। आपको जानकारी को हैरानी होगी, भारत का स्थान पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे है नशेबाजी में। यह आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि पता चल गया हम जा किधर रहे हैं। 50% जो डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, पिछले 9 साल का डेटा अगर हम निकाले तो नंबर वन कारण क्या है, दो में से हस्बैंड या वाइफ में एक आदमी या तो शराब का लती है, नशेल है, या उसको कोई ड्रग्स की आदत लग चुकी है। 50% कारण है। और हां, हिंदुस्तान में तकरीबन 16 से 18 करोड़ लोग जो है वो ड्रग्स या शराब पीते हैं, उसमें से 7.5% महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये मत समझिए केवल मेन ही पी रहे हैं, फीमेल भी उस चीज का इस्तेमाल कर रही है। तो दो में अगर एक बंदा पिएगा तो पटरी नहीं खाएगी। ये सारे आंकड़े क्यों बताए कि समाज में हो क्या रहा है। अब अगर आप उनमें से हैं कि आपको याद लग चुकी है और आपको मालूम है कि नहीं पीना चाहिए और आपको शर्म भी आती है, अपने आप बच्चों को बता नहीं सकते, अपनी आप फैमिली को बता नहीं सकते, छुप छुप के पीते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसको आराम से देखिए और देखने के बाद में प्रॉमिस करें कि इसको आप अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, ये मैंने टाइटल लिया था कि कैसे आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आप मुक्ति पा सकते हैं सिगरेट शराब से, प्रेशर में कैसे ना आए। बिल्कुल सही टॉपिक है, जस्ट फॉलो द स्टेप जो मैं बता रहा हूं। लेट्स पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में हम फंसते कैसे हैं इस भंवर जाल में, हाउ डू वी, कैसे बना हम इस लाइफ में आते कैसे हैं, शुरुआत कहां से होती है। क्योंकि वो शुरुआत दोस्तों होती है पीयर प्रेशर से। पीयर प्रेशर मतलब क्या होता है, समाज सोसाइटी का असर। जैसे मान लीजिए स्कूल में, कॉलेज में या किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी में, तो लोग क्या, अरे आज तो भाई की शादी है, अरे भाई की शादी नहीं, अरे भाई की शादी, अरे कुछ नहीं होता, ले ले यार भाई की शादी है यार, अरे आज भाई का बर्थडे है, अरे आज भाई का बर्थडे, अरे कुछ नहीं होता, ले ले स्कूल में, ये पीयर प्रेशर है, अरे कुछ नहीं होता, ले कुछ नहीं, मैं तो पी रहा हूं ना, तेरा भाई तो पी रहा है, बस ये तेरे भाई की शादी है, तेरे भाई का बर्थडे है, कुछ नहीं होता। वहां से आदमी की जिंदगी गिरना शुरू हो जाती, वहां पर शुरुआत हो गई। अब क्या हुआ, क्या आपने ले लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा मजा आया, थोड़ी सेंसेशन हुई, वहां से आदत लगना शुरू हो जाए। दूसरा कारण है क्योंकि ज्यादा लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जॉब में, कॉर्पोरेट लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब में अपना काम करते हैं, तो काम में स्ट्रेस है। आजकल इस कलयुग में, ये जो कलयुग का समय चल रहा है, हर कोई आदमी यहाँ स्ट्रेस में, तनाव में है, चिंता में है, और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया, बहुत सा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, चलिए यार सुट्टा मार के आते हैं, टेंशन निकाल के आएंगे, चार सुट्टा मार, अरे भाई वो स्ट्रेस बस्टर नहीं है, सुट्टा मारना स्ट्रेस को हटाना नहीं है, और आप स्ट्रेस आप ले रहे हो। तो दूसरा जो कारण लोग फंसते हैं इसमें, वो स्ट्रेस को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई घर में किसी की डेथ हो गई, पैसा बिजनेस में हार गए, डूब गए, कुछ हो गया, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, तो लोग उस गम में, उस दलदल में फंस जाते हैं सिगरेट शराब और ड्रग्स में, सोचते हैं उस गम से बच जाएंगे, इस दलदल में आ जाएंगे। तो कितनी गलती करते लोग, एक लाइफ को, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते,
जिंदगी की हकीकत को फेस नहीं करना चाहते और क्या करना चाहते हैं, उस दलदल में फंस जाते हैं जहां पे कुड़कुड़ के जीते हैं, मरते हैं इसको मरते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखें जो ड्रग्स के लोग होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो कुड़कुड़ के जीते नहीं है, मरते हैं। राइट, एक गाना भी है, कौन सी मूवी आई थी अजय देवगन की, कहता हाँ मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। राइट, तो ये सब पिक्चरें हैं, पिक्चरों क्या है, वो तो रियलिटी ऑफ लाइफ तो है नहीं। राइट, तो दूसरा कारण क्या लोग पीते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई। तो तीसरा कारण बैड एसोसिएशन, जो मैंने बताया कि गलती से फंस गए उस एसोसिएशन में, और फंस गए तो फंस गए। और चौथा कारण दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ है भाई, यानी दूसरों के ऊपर अपनी धाक जमाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कि भैया देखो हम भी हैं, हमको कम मत समझना। ये कारण होता है, ये चार कारण से हम फंस जाते हैं। अब अगर आप गलती से फंस गए हैं, या कभी कभी पी लेते हैं, या किसी के साथ पी लेते हैं, या शादी पार्टी में, तो ये मत कहो, ये सब कहने की बातें हैं। अगर आप कभी कभी वाले हो तो कभी कभी से कब आप अक्सर रोज में आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, ध्यान रखिए इस बात को। तो अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश मत करो शराबी पिक्चर की, अमिताभ बच्चन साहब तो पीते नहीं है, लेकिन उन्होंने शराबी पिक्चर में एक्टिंग ऐसी कर दी कि बहुत लोग उस जमाने में अमिताभ बच्चन के जो फैन थे वो शराब पीने लगे। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। राइट, सो पॉइंट ये है कि अब अगर आप उस जगह पहुंच गए हो या आपकी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है, उसको ये वीडियो जरूर दिखाएं। तो अब मैं बताता हूं कि कैसे आप इससे बाहर निकलेंगे। मैं हिंदू धर्म से आता हूं, हालांकि वीडियो धर्म के लिए नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, मुझे बहुत गर्व है अपने हिंदू धर्म के और अपनी प्राकृतिक अपनी प्राचीन सभ्यता के ऊपर। तो हमारे हिंदू धर्म में एक सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, उसमें चार नियम बताए जाते हैं। कितने, हालांकि हर धर्म में, मुस्लिम धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, सिख, हर धर्म में कुछ ना कुछ चीजें बताई गई हैं कि जो किसी को नहीं करनी चाहिए। राइट, तो मैं अपने बात करता हूं, मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं, बट ये वीडियो सबके लिए है। तो जो चार नियम है, आप एक गांठ बांध लीजिए, आपको ये जीना है, फॉलो करना है, कभी आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी और एक सेकेंड के अंदर आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो चार नियम कौन से, पहला नियम, किसी तरह का वही इंटॉक्सिकेशन यानी सिगरेट, शराब, अल्कोहल, जिसमें जरा सा भी नशा होता है, गुटखा, खैनी, सब किसी भी तरह का नशे पत्ती से आपको दूर, ये पहला नियम है। अगर आपको जिंदगी को इंप्रूव करना, उत्थान करना है, तो ये नियम गांठ बांध लीजिए और करना है। नंबर वन, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स। नंबर दो, किसी तरह का मीट नहीं खाना, यानी जिस चीज में वायलेंस हुई है, जब किसी को मार के भोजन बनाया गया है, उसको नहीं खाना है, तो आप नॉन वेज से वेज में आ जाएंगे। तीसरा काम नहीं करना, आपको जुआ, जहां पे गैम्बलिंग होती है, उससे दूर रहना है। और चौथा कारण, नो इलिसिट सेक्स, यानी अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से लॉयल रहना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। बिफोर मैरिज सेक्स इज अ क्राइम, हिंदुस्तान में भी क्राइम है लीगल वर्ल्ड में, बट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गॉड के वर्ल्ड में, तो महाक्राइम, महा अपराध है। तो ये जो हाई फाई सोसाइटी है उसकी तरफ मत भागो, वो सब पाप की तरफ चले गए। मेक सेंस? तो चार नियम अगर आप फॉलो करने का प्रॉमिस कर लेते हो, नंबर वन नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, नथिंग, नो सिगरेट, नंबर दो नो मीट, नंबर थ्री नो गैम्बलिंग, एंड नंबर फोर नो इलिसिट सेक्स। तो ये पहला, अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया तो ये आप मान लीजिए कि आपको फॉलो करना है। कैसे करेंगे, वीडियो देखने के बाद में आज रात को सोने से पहले अपने आप से बात करें, अपनी सोल से, अपनी आत्मा से बात करें कि यार वाकई मेरा पतन तो हो रहा है जिंदगी में, उत्थान कैसे होगा। ये जो चार नियम रवि जी, मेरा मैंने नहीं बताया, मैं तो माध्यम हूं, बताया किसी और ने। राइट, तो इनका फॉलो करना चाहिए बिल्कुल। अब नंबर दो पे आ जाइए, जब ऐसा सिचुएशन आए, नहीं चलो मैं आपको बताता हूँ साइंस, दूसरा कारण बताता हूँ विज्ञान के हिसाब से। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रिसर्च करी गई, 66 डेज के अंदर कोई नई आदत बन जाती है। फिर बता रहा हूं, 66 डेज के अंदर कोई नई हैबिट डेवलप हो जाती है। तो अगर आपको कोई आदत लग चुकी है तो उसको बदला जा सकता है, प्रोवाइडेड आप उसके बदले नई आदत को बना लो। वो बनाने में कितना टाइम लगता है, 2 महीने 6 दिन, यानी 66 दिन लगते हैं, 66 डेज। तो अगर आप 66 डेज कंट्रोल कर ले जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी सिगरेट पीने की जो आदत है वो बहुत जल्दी बदल जाएगी ना पीने में, सिगरेट, शराब, व्हाटएवर। तो 66 डेज का पेशेंस रख लें अगर जिंदगी में उत्थान चाहते हैं। तो मैं साइंस बता रहा हूं, ओके,
66 डेज में आप अपनी कोई आदत को बदल सकते हैं और नई आदत में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब आप उस पीयर सिचुएशन में हो जहां पे लोग यार दोस्त आपके पी रहे हो और बोले यार चलो यार कुछ आज तो भाई के साथ ही आज तो बस, उस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप याद करें उस पहले रूल को, आपने जो 4 नियम फॉलो करने के लिए कसम खाई है और बोल दे वहां पे भाई सॉरी क्यों, मैंने ना गुरुजी को प्रॉमिस कर दिया। अरे झूठी बोल दो यार, मैंने गुरुजी को प्रॉमिस कर दिया है कि मैंने सब निवृत्ति कर दिया, मतलब मैंने छोड़ दिया। अरे बोले अरे कुछ नहीं होता यार, गुरुजी कौन देख रहे हैं, लोग बकवास करें कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, बोलो भाई सॉरी, दैट्स इट, बी स्ट्रिक्ट, उस नियम को याद रखो और सीधे मना कर दो भाई सॉरी यार मैं, और हो सके तो अवॉइड करो उन लोगों को जहां पे आप को ये सिचुएशन फेस करना पड़े। चौथा कारण, जब आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, जॉब में, बॉस में, नौकरी में या कहीं भी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि यार मैं कमजोर पड़ रहा हूं तो मुझे सुल्टा पी लेना चाहिए या मुझे शराब पी लेना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, टेम्परेरी सोल्यूशन ऑफ योर परमानेंट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। आप रात को शराब पी के सोएंगे, सुबह आपके पास 2 प्रॉब्लम होंगी, पहली प्रॉब्लम आपके दिमाग में सरदर्द हो रहा होगा और दूसरी प्रॉब्लम वो जो प्रॉब्लम को भूलने के लिए आपने शराब पी थी वो प्रॉब्लम और विकराल हो जाएगी क्योंकि आपने समाधान नहीं ढूंढा। आपने क्या किया, आपने टेम्परेरी समाधान ढूंढा कि मैं 1 घंटे के लिए कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर भागता हूं ताकि मेरा 1 घंटे के लिए माइंड शांत हो जाए। होता क्या, जब हम शराब पीते हैं हमारे जो सोचने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है, यानी हमारा जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी होती है परफॉर्म करने की वो धीमी हो जाती है, तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो हमें लगता है रिलैक्स मिल गया, अभयधान मिल गया, पर रिलैक्स मिलता नहीं है। जब आपको होश आता है तो फिर वही हाल हो जाती है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आने के बाद में ये सोचें यार ये तो समाधान जो टेम्परेरी है या परमानेंट है, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, सो व्हाट टू डू नाउ, फोकस ऑन द परमानेंट सोल्यूशन, मेक सेंस। एक कारण आपको और देता हूं, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, मेट्रो शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे 25-40% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होते, नपुंसकता बढ़ती जा रही है, धक्के खा रहे डॉक्टरों के यहाँ, इनफर्टिलिटी वालों के यहाँ, और वो जो बनावटी जो सीमेंस बनता है उसके लिए धक्के खाते हैं। क्यों? इसीलिए, एक तो लोगों की कलयुग में क्या, जो कलयुग चल रहा है यहाँ पे 3 क्वालिटी बताई गई है कलयुग में, मंद सुमंद मतेव, यानी बुद्धि भ्रष्ट, आयु छोटी और आलस भरा हुआ, ये क्वालिटी है कलयुग की जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसी के चूंकि मैं भी आप हम सारी इसी जगह रह रहे हैं, राइट। अब क्या है, पहले से परेशान है, पथ भ्रमित है, ऊपर से नौकरी का प्रेशर, डंडा बॉस का, जिस काम में लगे वहां प्रेशर, मारा मारी है, तो आधी ज्यादा एनर्जी तो वहां चली जाती है, अब जब थोड़ी बहुत बचती भी है जिंदगी में तो कौन ले गया, सिगरेट शराब, इधर तिकड़म, इसकी ऐसी उसकी, सुनो, अब जब सब कुछ चली गया तो एनर्जी ऊर्जा बची कहां, इसीलिए ये नपुंसकता बढ़ रही है लोगों के अंदर, बच्चे लोग नहीं हो रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उस लाइन में ना खड़ा होना पड़े जहां पे बच्चे नहीं हो रहे, तो आज ही सिगरेट शराब को, किसी तरह नशे को नो कह दें, से नो टू टोबैको, से यस टू लाइफ। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं लेकिन मुझे लगा ये मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाया। और लास्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप साइंस पढ़ेंगे या स्पिरिचुअलिटी पढ़ेंगे या फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, क्या, वो किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन को फेस करके बाउंस बैक कर सकते हैं, किसी भी टाइम, कितना भी लाइफ में टफ टाइम की जिंदगी क्यों ना आ जाए, उनके अंदर भगवान ने कुछ ऐसी क्वालिटी दी है कि उसको फेस करके लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। ये क्वालिटी पेड़ों में नहीं है, वो तो स्थिर है, ये क्वालिटी जानवरों में नहीं है पर इंसानों में होती है, पर हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, बहुत डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, बहुत फंसे हुए हैं, सोचना नहीं चाहते, रियलिटी को फेस नहीं करना, शीशे को फेस नहीं करना चाहते, दैट्स द प्रॉब्लम। और जब तक आप रियलिटी से भागोगे, देखो हम रियलिटी शो बहुत देखते हैं, ये फलाने डांस शो, ढकाने डांस शो, उसने इतना जीत लिया, ये रियलिटी शो, वो रोड शो, वो सब रियलिटी शो तो हैं, पर आपकी रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं है वो। अगर आपको अपनी लाइफ को रियलिटी में झांक के देखना है तो आज रात में सोने से पहले अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैं जिंदगी में वाकई उस ट्रैक पे हूं जहां मुझे जाना चाहिए, क्या मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूं,
क्या मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह जस्टिस कर रहा हूँ या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? लोग भगवान को दोष देते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं फेल हो गया। अरे यार, ये सब बकवास है। भगवान ने हमें इंसान बनाया, इससे कम बात होगी। उसके अलावा हिंदुस्तान में जन्म दिया, एक कंपनी बात है। इमेजिन करो, हम अगर पाकिस्तान में पैदा होते तो, अफगानिस्तान में होते तो क्या देखा था, क्या हाल होता अफगानिस्तान में होते तो? हिंदुस्तान में जन्म लेना कोई छोटी मोटी बात है, मजाक नहीं है। लेकिन हम उसका रियलाइज नहीं करते क्योंकि हर चीज फ्री मिल गई। क्या डोंट डू दैट। जीवन बहुत अनमोल है, एक एक सांस जो मिली है वो भगवान का गिफ्ट है। और आपकी जो बॉडी है ये आपकी नहीं है, ये आपको भगवान ने दी है। और अगर आप इसको वेस्ट करोगे, इसको आप डिस्ट्रॉय करोगे सिगरेट शराब लड़कीबाजी लौड़ियाबाजी के चक्कर में, तो उसका आपको दंड भुगतना पड़ेगा। ये ध्यान रखना इस बात को। तो ये जो एपिसोड मैंने बनाया है किसी काम से नहीं है, बट मुझे लगता है सामाजिक जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप इस एपिसोड को जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है पहुंचाएं, ताकि कोई अगर हमारा ब्रदर या सिस्टर इस नशे की आदत पड़ चुके हैं। क्योंकि मैं गुड़गांव में जब मैं जाता था, मैं उस समय एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता था, तो मैं देखता था वहाँ बहुत सारे कॉल सेंटर बीपीओ कॉर्पोरेट था, वहाँ बहुत सी लड़कियाँ बैठ के सिगरेट पीती थी, वहीं बगल में बहुत सारे ठेके थे, नॉर्मल लड़कियाँ लड़के लड़के से ही पीते थे, और मैं सच बताऊँ वहीं पीता था। तो मैं देखता था कि यार ये ज़िंदगी क्या है, मतलब पढ़ लिख के आए हैं, छोटे छोटे शहरों से गाँव से लोग आए हैं यहाँ पे जिंदगी में तरक्की करने के लिए, पर तरक्की तो हो नहीं रही, हम तो डिग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, मतलब कल्चर नष्ट हो चुका है। दो पैक लगा के सिगरेट पी सोचते हैं हम बहुत हाईली एजुकेटेड हो गए। तो आज ये जो सिगरेट और शराब है, ये केवल हाई क्लास सोसाइटी में लोग नहीं पी रहे हैं, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड या अंग्रेजी बोलते हैं या बहुत पैसा है, ये सिगरेट शराब ड्रग्स केवल वही नहीं है, ये आज गांव गांव में रिक्शे वाले से लेके मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू आई नो, बिकॉज एज ए कोच मैं बहुत सारे रिच लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ, और मैंने उनकी लाइफ बहुत करीबी से देखा है। पैसा तो है पर अंदर से बहुत स्ट्रेस है, खोखले हैं, और इन चीज़ों का शिकार है। मैं ये नहीं कह रहा सारे करते हैं, बट ज़्यादातर तरह के लोग कर रहे हैं। अगर आप वो चार नियम फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो आप इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। पहला नियम, से नो, किसी तरह का ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन को मना कर दो। नंबर दो, नो मीट। नंबर थ्री, नो गैम्बलिंग। नंबर फोर, नो इलिसिट सेक्स। दैट्स इट। एक बार नियम बना लो, एक बार कसम खा लो, उसके बाद जिंदगी बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, और यू विल रियलाइज इट। आप मुझे थैंक्स बोलेंगे। मैंने ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैंने कहीं से सीखा है, कहीं से मैंने पढ़ा है, अपने जीवन में उसको अप्लाई किया है, तो मैंने वो शेयर कर दिया। आई एम नॉट द मैसेज, आई एम जस्ट द मैसेंजर। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी थम्स अप, लाइक, कमेंट्स, अगर इसमें आपको बहुत अच्छा लगा तो, एंड शेयर दिस एपिसोड टू एटलीस्ट 5 पीपल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, टेक केयर।